इस इश्क जुनू के किस्से की तफसील अभी तो बाकी है कुछ और सफर। ये तो तहरीक है, अगर मैं अपना जिक्र करूं, मेरी दुनिया और आखिरत दोनों तबाह और बर्बादी की तरफ रागिब थी। गुनाहों के दलदल में मैं बिल्कुल जकड़ा हुआ था। इस्लामी जमीयत तलबा की बाबरकत महफिल जब से मुझे नसीब हुई, ज़माने तालिबे इल्मी में जिंदगी बदल गई, जिंदगी का मकसद का पता चल गया। और आज मैं बड़े फख्र से कहता हूँ कि इस्लामी जमीयत तलबा मेरी माँ है, मेरी दूसरी माँ है, और ये दुनिया की वो सबसे अजीम माँ है जिसके लाखों नहीं करोड़ों इसके चाहने वाले, इस पे जान निशावर करने वाले पूरे दुनिया में फैले हुए हैं। और पूरे दुनिया में कुल इन्नस्सलाती व नुस्कुई व महयाया व ममाति लिल्लाहि रब्बिल आलमीन, बेशक मेरी नमाजें, मेरा जीना, मेरा मरना सब कुछ अल्लाह रब्बिल आलमीन के लिए है। ये वो अहद है जो इस्लामी जमीयत तलबा नौजवानों को सिखाती है। आज माशरे में जिस किसी सियासी जमात में, जिस किसी मल्टीनेशनल कंपनी में, जिंदगी के जिस शोबे में भी इस्लामी जमीयत तलबा के ऐसे वाबस्ता अफराद मौजूद हैं, उनके काम सबसे नमाया है। वो एहसास जिम्मेदारी से अपने काम को पाए तकमील तक पहुंचाते हैं। दुआ है कि वो दिन हम अपने आंखों से देखें जब पूरी दुनिया में इस्लामी जमीयत तलबा का निज़ाम नाफिज हो, और अल्लाह की ज़मीन पर अल्लाह का निज़ाम नाफिज हो, और इस्लामी जमीयत तलबा का खौफ पाए तकमील तक पहुँचे। इस्लामी जमीयत तलबा जिंदाबाद। यहाँ सैयद की सदाकत के वारिस रहते हैं सदा सरशार यहाँ।